दोस्तों मोटो ने लॉन्च कर दिया G45 स्मार्टफोन जिसे हम कंपेयर करेंगे Samsung Galaxy M15 5G स्मार्टफोन के साथ में और आपको बताएंगे कि भाई आपके लिए कौन सा फोन में से सबसे ज्यादा बढ़िया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे फोन की डिस्प्ले की। तो मोटो फोन के अंदर हमें 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। लो जी डिस्प्ले में मोटो वाले ने झोल कर दिया क्योंकि सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है भाई, बिल्कुल एवरेज डिस्प्ले आपको मिल रही है मोटो फोन के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग की अगर मैं बात करूं तो भाई सैमसंग के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। भाई सैमसंग का इस बार कहना पड़ेगा बढ़िया काम किया है क्योंकि इन्होंने आखिरकार अपने फोन के अंदर फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल दिया है जो कि भाई बिल्कुल टॉप लेवल कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी, बिल्कुल प्रीमियम डिस्प्ले लगेगी आपको कि फोन की मिल रही है आपको। मोटो की तरह नहीं कि बिल्कुल कॉस्ट कटिंग वाला काम कर दिया इन्होंने। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो देखिए दोस्तों दोनों फोन आउट ऑफ द बॉक्स 14 के साथ में आ रहे हैं जिसमें कि मोटो का फोन हेलो यूआई पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग का फोन वन यूआई 6.1 पर बेस्ड है। भाई दोनों फोन्स की यूआई यहां पर एकदम बढ़िया है, कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों मोटो के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 5G चिपसेट मिल रहा है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए चिपसेट बढ़िया है डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में, लेकिन यार गेमिंग में आपका दिल टूट जाएगा क्योंकि जब डिस्प्ले ही बिल्कुल एवरेज वाली मिल रही है, सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है, तो गेमिंग का क्या ही मजा कर पाओगे। तो भाई इसलिए गेमिंग के लिए इसको स्किप करिए और दूसरी तरफ सैमसंग का देखिए। भाई सैमसंग के अंदर हमें मिल रहा है डायमंड सिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। चिपसेट बढ़िया है डे टू डे परफॉर्मेंस के लिए बढ़िया और गेमिंग भी आपको अच्छी करवा देगा और साथ ही साथ गेमिंग का मजा भी आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि डिस्प्ले यहां पर आपको सुपर एमोलेड पैनल वाली मिल रही है, तो भाई बढ़िया गेमिंग आप कर पाओगे, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग के लिए मोटो को प्रेफर आप गलती से भी मत करना। और दोस्तों देखिए अगर आप इन दोनों फोन में किसी वाले कोई बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और कैमरा सेटअप की अब हम बात करते हैं तो यहां पर मोटो फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। इसका जो मेन कैमरा है ना अच्छी क्वालिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि फोटोज क्लिक कर देता है, लेकिन यार यहां पर जो हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल रहा है ना वो तो बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि मोटो कंपनी जानी जाती है अपने अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए, क्योंकि यार ये अपने कोई भी फोन हो ना उसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा जरूर देती है, लेकिन यहां पर भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर ही दी है। तो इसलिए दोस्तों अब हम देखते हैं सैमसंग को। तो सैमसंग फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का। ये बात मानने वाली है कि सैमसंग फोन की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है ना भाई वो एकदम बढ़िया होती है और यहां पर भी हम यही चीज देख रहे हैं क्योंकि सैमसंग का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया जो कि एकदम अच्छे डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। कैमरा सैंपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि सैमसंग ने कितने बढ़िया तरीके से फोटोज को कैप्चर किया है और यहां पर हमें 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है। वो अलग बात है यार सैमसंग 8 का अल्ट्रा वाइड दे सकता था, लेकिन चलो क्या ही करें इनसे तो ठीक है ना कि अल्ट्रा वाइड दे दिया इन्होंने हमें। और अगर दोस्तों बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों फोन के बैक कैमरा से और फ्रंट कैमरा से आप 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। तो मोटो फोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। नो डाउट यार सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं क्योंकि दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा ना अच्छी डिटेलिंग के साथ में सेल्फी फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको मतलब डिटेलिंग थोड़ी और ज्यादा बढ़िया चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बढ़िया चाहिए, तब भी आप यहां पर सैमसंग को ही प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर मोटो फोन जो है भाई 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है लेकिन सिर्फ 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग का फोन 6000 mAh की भाई बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आता है, भाई 1 से 1.5 दिन तक का भी बैटरी बैकअप आपको काफी इजीली मिल जाएगा। लेकिन यार सैमसंग फोन 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और दोस्तों एक दिल दुखद बात यह है कि भाई सैमसंग फोन के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिल रहा, तो 1000-1500 बताओ चार्जर के भी अलग से खर्चने पड़ेंगे, इस बात पे तो सैमसंग को क्रिटिसाइज भाई करना ही चाहिए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए तो भाई दोनों फोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी वाले है ही है। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन के अंदर दिया गया, लेकिन स्पीकर मोटो फोन तो डबल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है जो कि एक डाउनग्रेड है। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब फाइनल दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए भाई मोटो फोन के 4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 12000 पे, जो कि यार 12000 के प्राइस पॉइंट पे इस फोन को मत बाय करना क्योंकि कॉस्ट कटिंग ही कॉस्ट कटिंग इस फोन में आपको देखने को मिल रही है। भाई इस प्राइस में आपको और भी काफी सारे बढ़िया फोन देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के वाला जो फोन है भाई एकदम बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में, चाहे आप कोई भी चीज लगा लो बढ़िया ही है, बस डाउनग्रेड कि यहां पर आपको चार्जर नहीं मिल रहा है इन द बॉक्स में, तो अगर आप वो मैनेज कर सकते हो तो भाई ये फोन एकदम बढ़िया डील आपको बन के सामने आ जाएगा। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।